अभी हमारे साथ झारखंड के वो लाल हैं जो वैश्विक स्तर पर जाकर झारखंड का नाम रोशन करेंगे। इनका चयन जो है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में हुआ है मित्रों, और जब इनकी प्रतिभा और इनके हुनर के बारे में पता चला तो मैं भी आज रांची पहुंच गया, इसलिए ताकि इनको सम्मानित मैं कर सकूं और इनकी जो कहानी है वो देश के हर युवाओं को मैं दिखा सकूं कि ये ना देखते हुए भी जो है कहीं ना कहीं इतिहास रचने का जज्बा देखते हैं। और इसी जज्बे को सलाम करने के लिए आज मैं जो है इनको फूल और माला से इनका स्वागत करूंगा, और एक गमछा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की शान होती है। ये पति पत्नी है और दोनों लोग पत्नी भी प्ले कौन से गेम एथलीट है एथलेटिक्स, और ये भी दोनों आंखों से देख नहीं पाती है, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दिखाने का ये लोग प्रयास करते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि ये दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये अब दुनिया को सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने हुनर और प्रतिभा के बदौलत है। आज इनका चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये कहीं बड़े कुल खानदान से हैं, किसी राजा महाराजा के घर से हैं। इनका चर्चा इसलिए हो रहा है कि ये झुग्गी और झोपड़ी से निकल कर झुग्गी और झोपड़ी देख रहे हैं आप, इसी झुग्गी और झोपड़ी में ये रहते हैं। जिस झुग्गी झोपड़ी में कोई आना पसंद नहीं करता था, उस झुग्गी झोपड़ी में ये बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मीडिया चैनलों को आने पे मजबूर कर दिए। इनके सम्मान के लिए हम लोग आए हैं ताकि लोग इनसे प्रेरणा ले सके कि जब झुग्गी और झोपड़ी से निकला युवक जो है वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचकर वैश्विक स्तर पर नाम रोशन कर सकता है तो और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और शायद से ऐसी प्रतिभाओं को संवारित किया जाए, सम्मानित किया जाए, संवारा जाए, तो आए दिन ऐसे बहुत सारे टैलेंट जो है जो विलुप्त हो जा रहे हैं वो निखर कर सामने आएंगे। क्या कहना चाहते हैं जो है उन लोगों को जो लोग आपकी तरह ब्लाइंड है और संसाधन का अभाव देते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी इसको मजबूरी बनाकर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भिक्षावृत्ति करने लगते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? उनके विषय में यही कहूंगा ना सर कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत मतलब दिव्यांग जो है या तो हैंडीकैप है उनके पास बहुत हुनर होता है सर, बस हुनर को जो है ना निखारने की बात होती है और बात रहती है सपोर्ट के लिए। यदि कोई इनको सपोर्ट करेगा तो जरूर जो है आगे बढ़ जाएगा। 2014 से जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं और 2017 में या 18 में जो है 18 में जी 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम में इनका चयन होता है, और ये जो है अब दिसंबर में जो है वर्ल्ड कप ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलेंगे। ये ऑलराउंडर हैं जो है गेंदबाजी 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करते हैं, बॉलिंग भी करने के बाद जो है ये बैटिंग भी करते हैं। क्यों जी सबसे ज्यादा विकेट कितना ले चुके हैं? मैं 6 विकेट ले चुका हूं। 6 विकेट एक मैच में, कितने ओवर फेंक कर? 4 ओवर। 4 ओवर में कितना रन दिए थे? 4 ओवर में 17 रन। 17 रन। झारखंड की पहचान जो है रांची के महेंद्र सिंह धोनी की वजह से भी की जाती है। मैं महेंद्र सिंह धोनी की वजह को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अब इनकी पहचान जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट की पहचान अब सुजीत मुंडा की वजह से भी होगी, और रांची की पहचान जो है सुजीत मुंडा जी की वजह से होगी। इनकी धर्म पत्नी है, क्या योगदान देती है इनको दिन भर में, क्या करती है इनके साथ है? जी सारा कुछ खाने पीने से लेकर, और जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो उनके साथ जब मौका मिलती है तो साथ में रहती हूँ, और इनके जितने भी जो अच्छा पहले आप भी खेलती थी, अब खेलना छोड़ दी है, अभी भी प्रैक्टिस करती हैं, खेलती हैं? जी अभी तो शादी के बाद नहीं खेल पाती। नहीं तो आपको भी खेलना चाहिए, बाकी संसाधन के अभाव से कुछ ना करने वालों को। बच्चे कितने हैं आपके? जी बच्चे दो हैं, दो बच्चे भी संभाल करना पड़ता है। चलिए ये महिला है, कुशल गृहिणी है, और इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय इस प्रकार से दिया है कि पति को जो है उस लायक बना दिया है कि ये जो विश्व में जाकर जो है अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इनका सबसे बड़ा योगदान क्यों? इनका योगदान है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत योगदान है 100%। अच्छा कौन कौन से देशों के साथ आपने अभी तक क्रिकेट खेला है? मैंने सर बांग्लादेश के साथ खेला है, साउथ अफ्रीका के साथ खेला है, साथ ही साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है। हाँ। और एथलेटिक्स में तो मत पूछे सर, एथलेटिक्स में मैंने बहुत पाकिस्तान के साथ भी खेला है। जी हाँ सर। पाकिस्तान वहाँ भूखा नंगा को मारे थे या नहीं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हाँ, हरा दिए थे। अपर सर उनको हराएंगे 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर फिर हराइएगा? फिर हराएंगे, ये विश्वास है? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। कहाँ से आता इतना विश्वास है? नहीं सर उनको हराना है, क्योंकि अभी अब देखे होंगे मैच जो अभी T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, भारतीय टीम जो है विराट कोहली का वो याद करो, 6 बॉल में 16 रन। हाँ, जिसमें कि 3 पे 13 जी। हाँ, 4 तो पावर प्ले में हमारा विकेट 4 गिर गए थे। हाँ, तो अभी जो है विराट कोहली और पांड्या मिल करके जो है हमारे देश को जो है विजय दिलाया, और उसी विजय रथ को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल, और उसी विजय रथ को आप खींचने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को हराना तो हराना है, हराना है जी। ये बात आती कहाँ से, पाकिस्तान वही को हराना है? नहीं सर, वो हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि
यदि मैच होता तो लगता है सब दुश्मनी के टाइप का ना, तो उनको हराना बहुत जरूरी है। लेकिन खेल के मैदान पर वो दुश्मनी नहीं होती, वो बल्ला और गेंद से होती है। बल्ला और गेंद से होती है और कॉम्पिटिशन चलती है बहुत जोरदार। अच्छा, हरा कर उनको ये दिखाना है कि बाप बाप होता है। हरा कर क्या दिखाना है उनको? बाप बाप होता है। बाकी भूखा नंगा चोर चुहार मुसहार पाकिस्तान जो है 11 दिसंबर को तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय ब्लाइंड टीम जो है वो विश्व कप में हराने के लिए आपको तैयार हो गई है। ये मैच कहाँ होगा सर? ये ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में होगा। और वैसे भी लोग पाकिस्तान में जाते नहीं क्योंकि वो बम पटाखा ज्यादा छोड़ता है। वो पीछे से दगा देगा, आगे से दगा देगा, कुछ पता नहीं है। पीठ पीछे वार बहुत ज्यादा करता है, इसलिए पाकिस्तान जाते भी नहीं खेलने। वैसे भी देखा जाता है हम लोग पाकिस्तान नहीं जाते सर, बट उनको बुलाया गया है। तो मैच होगी सर, हो गई तो अच्छे से आइए। और ये बात हम दावे के साथ कर सकते हैं कि हम बम बम भैया नहीं फोड़ते हैं। हाँ, खुशी होने पर हम छोटा फुलझड़ी जरूर दगाते हैं और उसको जलाकर जो है उत्साह मनाते हैं, लेकिन हम बम बम फोड़ने का काम हम नहीं, वो सब इनका काम है। तो वो लोग कभी पीछे से बम फोड़ लेता, कभी ऊपर से बम फोड़ लेता है, कहाँ कहाँ से बम फोड़ता किसी को कुछ नहीं पता है। वो हमारे देश का लक्ष्य नहीं है। हम लोग जो है हमारे देश आप देख रहे हो, आर्मी वाले हैं, हम लोग प्यार से जो है काम करते हैं हर एक चीज। हमारे जो है प्यार और जो है कहीं ना कहीं आपसी जो है आपस में प्रेम सिखाता है हमारा देश। हमारे देश में भेदभाव नहीं है। जो है देख सकते हैं इनकी सोच कितनी अच्छी है और इनसे सीखने की जरूरत है। और नेता लोग थोड़ा सा हमारे हमारे देश के सरकारों को ऐसे ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे ऐसे बच्चों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आंखों से कुछ देख नहीं सकते हैं तो जीने का उम्मीद भी खत्म हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो ये अपने खुशी के साथ जी सकेंगे। क्या भैया, बाकी हम लोग इतनी दूर से आए हैं, इनको एक छोटा सा अंग वस्त्र और इनको माला पहनाकर इसलिए स्वागत किया ताकि मैं जीवन में कभी आऊं ये बड़ा आदमी बन जाए धोनी जैसे, तो हमको ये पहचाने, मैं इनको बताऊं कि मैंने आपका स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूलेंगे तो नहीं हमको। बिल्कुल मैं चाहूंगा सर कि जब मैं T20 वर्ल्ड कप मैच जीत के आऊंगा तो आपको जरूर, हम लोग आएंगे, हम जरूर आएंगे पक्का। यस सर, और वादा कीजिए, सम्मानित करेंगे, वादा वादा। चलिए, इनका वादा है कि हम जो है रांची में हम लोग दोबारा आए और जब ये वर्ल्ड कप जीत कर लाए तो मुट्ठी में जो कप रहे उसके साथ हम लोग इनका वीडियो करें। बाकी उज्जवल भविष्य आपका हो, वर्ल्ड कप के लिए तमाम शुभकामना। पाकिस्तान के साथ साथ जितना भी देश है सबको आप लोग धूल चटा दे ग्राउंड पे और बहुत अच्छा करके आइए, ऐसी शुभकामना। जय हिंद, जय हिंद, जय।